खरगोन में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ ई चालान की शुरुआत हो गई है। इसके लिए बाकायदा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। पुलिस कंट्रोल रूम खरगोन में पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, SDO भी रोहित अलावा की उपस्थिति में अनुभाग खरगोन के अधिकारियों, जिसमें थाना कोतवाली, थाना मेनगांव, थाना ऊन, थाना बरूर के TI अपने स्टाफ के साथ उपस्थित हुए। POS मशीन के चालान बनाने संबंधी प्रशिक्षण लिया। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्यवाही में पारदर्शिता बनी रहे और काम जल्दी हो सके, इसके लिए POS मशीन के जरिए ई चालान और ई पेमेंट की शुरुआत की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ई चालानी कार्रवाई हुई आज हमारे पास POS मशीन जो हमें प्राप्त हुई है पुलिस मुख्यालय से, उसी के द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए कल पुलिस कंट्रोल रूम में खरगोन में सभी अधिकारी कर्मचारियों को इसके विषय में ट्रेनिंग भी दी गई है और आज उसी का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, उसी के द्वारा चालान बना रहे हैं। क्या ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड सबसे चालान भर जाएंगे? जी हाँ, ATM कार्ड अपने पास, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR स्कैन और कैश पेमेंट, इन सभी के माध्यम से चालानी कार्रवाई की जा सकती है। तो जहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं होगी फिर वहाँ पे क्या? जहाँ नेटवर्क की सुविधा नहीं वहाँ हमारे पास पुराना जो नेटवर्क चला रहा है उसी के माध्यम से कार्रवाई करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें जो सिम डली हुई है वो सभी तरफ नेटवर्क कवर कर रही है। क्या नाम है सर? मैं थाना प्रभारी यातायात सुबेदार दीपेंद्र सोनकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।